हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस में डाइट का क्या महत्व है, इसके लिए हम पहले भी वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो में काफी पॉइंट रह गए थे और कुछ पॉइंट पेशेंट कह रहे हैं कि आप सिंपल तरीके से समझाओ ताकि हम सभी लोग इसको समझ सकें। तो इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। अगर आप डाइट के बारे में, एनकाइलोसिस के बारे में पूरी तरह ये गुत्थी को सुलझाना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। तो एनकाइलोसिस में डाइट का रोल उतना ही जरूरी है जितना दवा का रोल है। अगर 50% रोल आपकी डाइट का है तो 50% दवा का है। अगर आप दवा को नहीं छोड़ते तो आप डाइट को क्यों छोड़ते हो? बहुत से डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, जब आप दवा शुरू करोगे वो कहेंगे आप कुछ भी खा सकते हो, खाने का कोई परहेज नहीं है। देखो, खाने का बहुत ज़्यादा परहेज जरूरी है क्योंकि आप खुद एनकाइलोसिस के मरीज हो, आपको अनुभव होता है कुछ चीज़ें खाकर आपकी दर्दें बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें खाकर आपकी दर्दें कम हो जाती हैं। तो इसमें क्या है कि जो आप खाते हो वही आपका शरीर होता है। व्हाट वी ईट दैट इज़ अवर बॉडी। जो हम खाते हैं वैसी हमारी बॉडी बन जाती है। तो इसलिए खाना सही तरीके से खाना है, खाना कम नहीं खाना मगर संतुलित और सही तरीके का खाना है। देखो, हमारे शरीर में जो खाना होता है, एक हमारा एक्टिव पीरियड होता है दिन का, एक होता है इनएक्टिव पीरियड। जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, ये हमारा एक्टिव पीरियड है। अगर इसमें हम खाना सही खाकर खाएंगे तो हम पूरे दिन काम करेंगे। इसलिए कहते हैं ईट लाइक किंग इन मॉर्निंग, लाइक क्वीन इन आफ्टरनून, लाइक अ बैगर एट नाइट। इसका मतलब क्या हुआ? सुबह राजाओं की तरह भरपेट खाना खाओ क्योंकि आपने काम पर जाना है और काम पर एक्टिव होना है और काम करना है, उसके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। अब दोपहर को क्या है, आपने ठीक ठाक खाना खाना है क्योंकि दोपहर को आपका काम बहुत ज़्यादा नहीं होता। शाम तक हमारा काम बिल्कुल इनएक्टिव पीरियड में रहता है, हमने खाना खाकर सोना ही होता है। तो सोते टाइम आपको कम से कम खाना खाना चाहिए। इसको देखो, अगर हम हिंदू ग्रंथों में कहें तो वो कहते हैं कि आप सिंपल साधारण सात्विक खाना खाओ। अगर आप सात्विक खाना खाओगे, सात्विक सिंपल उबला हुआ खाना आपकी बॉडी को एनर्जी देता है और ये आपको बीमारियों से बढ़ाता है। इसे कई तो लोग कहते हैं पॉजिटिव प्राणा फूड। पॉजिटिव प्राणा फूड एक्चुअली होता क्या है, ये अगर हम अब लेटेस्ट थ्योरी में जाने तो ये नॉन एसिडिक फूड होता है, एल्कलाइन फूड होता है। जो लोग नॉन एसिडिक और एल्कलाइन फूड खाते हैं उनके शरीर में बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है। जितना बैड बैक्टीरिया और जो है अपना पेट में बैड बैक्टीरिया कम होगा उतना आईबीएस कम होगा। जितना आईबीएस और पेट ठीक रहेगा उतना आपका एनकाइलोसिस ठीक रहेगा। क्योंकि आप अगर देखो, एनकाइलोसिस का डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिलेशन आपके पेट से है। कुछ खाना जो आपको बहुत ज़्यादा गैस करता है, वात करता है, ये आपकी बीमारियों को बढ़ा देता है। तो आपने वात वाले खाने नहीं खाने क्योंकि वात वाले हाई यूरिक एसिड वाले खाने जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन अब किस किस चीज़ों में होते हैं? प्रोटीन देखो, दालों में होते हैं, चनों में होते हैं, सोयाबीन में होते हैं, राजमा में होते हैं। 90% पेशेंट इसी को कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये खाना हमारी फेवरेट लिस्ट के खाने में आ जाता है। लोगों को राजमा हो गए, कढ़ी होगी, ये बहुत पसंद आती है। आपने अगर आप दही लस्सी कंज्यूम करते हो या छाछ कंज्यूम करते हो तो आपके शरीर में और पेट में वात ज़्यादा बनेगी। जितनी वात और यूरिक एसिड बनेगा उतनी आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन, सोजस आ जाएगी, आपकी पीठ दर्द बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग दिन में अखरोट बादाम खाते हैं।
अखरोट बादाम अगर आपने खाने हैं दिन में एक से एक या दो से ज़्यादा नहीं खाने। बहुत से अपना सात्विक खाने वाले हैं, न्यू डाइट सिस्टम वाले हैं, वो बादाम अखरोट ज़्यादा खाने लग पड़ते हैं। इससे कई लोगों में क्या होता है, CRP और यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है। हमारे पीछे एक भाई साहब थे, उन्होंने अपना सात्विक खाना वो अपने आश्रम में फॉलो कर रहे हैं, मगर वो अपने डाइट में कुछ गड़बड़ें कर गए थे। जैसे कि वो काजू खा रहे थे, काजू का पर्याप्त था, काजू देखने में सफ़ेद होता है, बोन देखने में सफ़ेद होती है, मगर वो काजू खाने के कारण उनकी पीठ दर्द बढ़ गया था, उनका CRP यूरिक एसिड बढ़ गया और उनकी स्टिफनेस बढ़ गई। जब उन्होंने अपनी सात्विक खाने में वो काजू को हटाया, वो ठीक होने लग पड़े। अब क्या है कि हम मॉडर्न अपना डाइट सिस्टम आपको समझा रहे हैं। मॉडर्न डाइट सिस्टम में जो है, जो लंदन अमेरिका का डाइट सिस्टम है, वो कहते हैं नो फॉर स्टार्च, स्टार्च नहीं खाना। इसके अलावा वो कहते हैं ग्लूटेन और केसिन भी नहीं खाना। देखो, स्टार्च, ग्लूटेन और केसिन ये क्यों नहीं खाना, इसका कारण, जो लोग स्टार्च ज़्यादा खाते हैं, स्टार्च का जो अपना मोलिकुलर जो मिमिक्री है, यानी कि ये देखने में बिल्कुल और बिल्कुल क्रैब्सविला जैसा दिखता है। ये देखा गया है जिन लोगों को क्रैब्सविला होता है उनको एनकालोसिस और HLA-B27 ज़्यादा होता है। ये भी देखा गया है कि जब प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, जिनको क्रैब्सविला का इन्फेक्शन होता है, उनके बच्चों को आगे जाकर HLA-B27 के हायर रेटिंग होती है। तो इसलिए एक मोलिकुलर मिमिक्री इसके HLA-B27 से मिलती हुई होने के कारण जो चीज़ें आपका क्रैब्सविला की ग्रोथ को बढ़ाती है, जैसे कि स्टार्च, तो इसलिए वो स्टार्च को रिड्यूस कर दें। अब स्टार्च को अगर हम कहें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें राइस आ जाते हैं, इसमें पोटैटो आ जाते हैं, सफ़ेद वाली सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका आटा हो गया, ये ऐसे कि फ्लोर हो गया, आपका ब्रेड होगी, ये चीज़ें आपका स्टार्च बढ़ाती हैं। तो वो कहते हैं स्टार्च बंद कर दो। मगर इंडिया में आप देखो, ब्रेड तो आप छोड़ सकते हो, आप अगर आप यूपी बिहार में चले जाओ, वो राइस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो पेट भरता है वो राइस खा कर ही भरता है। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए, इनको राइस चुनने में समझदारी करनी चाहिए। जो राइस है वो आपने बासमती राइस कभी भी नहीं लेना। जो राइस एक स्टीम के अंदर, एक कुकर के अंदर 15 मिनट में नहीं गला, वो आपके पेट में जाकर क्या गलेगा। इसलिए अगर आपने राइस लेना, आपने फ्रेश राइस खाना है, क्योंकि फ्रेश राइस आपस में मैशअप हो जाता है, जब आपके पेट में जाता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है। कोई भी चीज़ जो पचाने में प्रेशर जनरेट करेगी वो आपके पेट में वात और गैस ज़्यादा करेगी। अगर वात और गैस ज़्यादा होगी, हमारे पेट में अब्डोमन की बैक साइड में स्पाइन है, तो वो बैक स्पाइन को भी असर करेगी। अब स्टार्च का मैंने आपको बता दिया, उसमें ये भी बता दिया कि अगर आप राइस नहीं छोड़ सकते तो आप कौन सा राइस यूज़ करो। अब इसके बाद होगा ग्लूटेन केसिन। देखो, ग्लूटेन केसिन इंडियन बंदे के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में 90% जनता कनक की रोटी खाती है, गेहूं की रोटी खाती है। रोटी अगर आप ना खाओ, आप सिर्फ फल और फ्रूट खाओ, सात्विक खाना खाओ, तो आपके शरीर को और पेट को कभी तसल्ली नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ये तो खाना ही पड़ेगा। हम जो दवा देते हैं आपको, उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपका स्टार्च और आपको गेहूं और ग्लूटेन ना छोड़ना पड़े, क्योंकि ग्लूटेन के बिना ज़िंदगी नहीं चल पाती इंडियन व्यक्ति की। अब इसके बाद आ गया केसिन। केसिन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका डाइट में। अगर आप केसिन में, देखो, आपने दूध ले सकते हो, डायरेक्ट गाय का दूध ले सकते हो, आप बकरी का दूध ले सकते हो, मगर आप अगर हो सके तो आप न्यू जर्सी गाय का दूध मत लो। अभी अमेरिका में क्या है, 90% न्यू जर्सी गाय है। अब उनकी थ्योरी जो हो रही है वो न्यू जर्सी गाय के दूध पर ही हो रही है, वो देसी गाय पर नहीं हो रही। देसी गाय का जो दूध है, इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर फैक्टर ज़्यादा है, और हम और आप ये 200, 400, 500, 800 साल से ये गाय का दूध कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे जो जेनेटिक्स है ये दूध पचाने के लिए बने हैं, इसलिए हमें केसिन छोड़ने की जरूरत नहीं। मगर हाँ, दूध के डेरिवेटिव जैसे कि छाछ होगी, अपना दही होगी,
पोर्पनी हो गया, ये आपने बिल्कुल नहीं खाना। दूध आपके लिए अच्छा है, ये आपको बॉडी को कैल्शियम देगा, आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देगा। अब आगे बात आती है ओमेगा फैटी एसिड की। जिन लोगों को एंकलोसिस है उनको ओमेगा फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है, मगर यहीं पर आया था नॉन वेज का रोल। नॉन वेज अगर आप खाओगे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी दर्दें बढ़ जाएंगी। इसलिए ओमेगा फैटी एसिड हमेशा कमी में रहती है, क्योंकि जो चीज़ें खराब करती हैं पेशेंट नोइंगली अननोइंगली उनको वायर कर रहा है। वाइट मीट हमारे इधर ज़्यादा चलता है रेड मीट के मुकाबले, इसलिए ये हम में ज़्यादा आ जाती है प्रॉब्लम। अब इसको इसमें आप कर कह सकते हो ओमेगा फैटी एसिड देखो रिच आपको वेज सोर्स से भी मिल सकता है। वेज सोर्स में आपने क्या यूज़ करना है, आप लौंग रोज खाया करो, एक या दो लौंग खाया करो। लौंग खाने से ओमेगा फैटी एसिड की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप ब्रोकली खाओ, ब्रोकली अभी ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होती है। यहीं पर ड्राई फ्रूट जैसे आलमंड नट्स और कैशू होते हैं, इनको आपने बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि एक हमारा पेशेंट था, वो एक आश्रम में रहता था, वो काजू उसने ज़्यादा कंज्यूम किए, जो 3-4 महीने में हमने CRP और यूरिक एसिड नॉर्मल लाए थे वो एकदम से बढ़ गया, उससे उसको प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तो उसके बाद हमने उसके साथ भी खाने में इन चीज़ों को डलवाया था। अब इसके बाद क्या है, आपने कीवी खाना है। कीवी दो काम करेगा, एक आपकी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, इसमें ग्लूकोसामाइन होता है और इसमें आपके और न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके जोड़ों को मदद देते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा का जूस पियो, एलोवेरा बॉडी की डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने में मदद करती है, इसलिए स्पाइनल कंप्रेशन को डीकंप्रेशन करने में मदद करती है। उसके बारे में अगर हम आप मेरी शायटिका वाली इंग्लिश वाली वीडियो में जाओ, वहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू समझाया है। इसके अलावा जो पेशेंट एंकलोसिस के होते हैं इनको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन B12 आपकी नर्व हीलिंग में मदद करता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द एंकलोसिस पेशेंट देखो, अभी भी हमारे पास वो पेशेंट चल रहे हैं जिनके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, या जिनके ये हाथ पैर कांपते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। अगर आप विटामिन B12 खाओगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट में जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो प्रोटीन आपको पकाना नहीं पड़ता। जब भी हम कोई प्रोटीन पकाते हैं तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी को नुकसान करता है, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है। वहीं ड्रैगन फ्रूट का प्रोटीन आपको बिना पकाए मिल रहा है, इसलिए ये इतना नुकसान नहीं कर रहा। थोड़ा सा प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत होती है वियर एंड डियर एक्शन में, इसीलिए आप हफ्ते में 2-3 बार ड्रैगन फ्रूट खाओ, कीवी डेली खाओ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो हमने डाइट बताई है ये ज़्यादातर हमने एल्कलाइन डाइट बताई है। एल्कलाइन फूड वो होते हैं जो तेजाबी नहीं होते, एसिडिक फूड जो तेजाबी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन अगर आप बंद कर दो आपकी आधी बीमारी तो वहीं पर छूट जाएगी। अब लास्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पानी की महत्वता बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति की जो डिस्क होती है वो 85% वाटर होती है। अगर आप पानी पियो, ये मुफ्त की दवा है, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी डिस्क जो कंप्रेस हो रही है वो कंप्रेशन रुक जाएगा और डिस्क को आगे प्रॉब्लम होने से बचेगी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, डिहाइड्रेशन नहीं करना। और इसके अलावा अगर लास्ट सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेडिकेटेड फूड होते हैं जैसे कि गार्लिक हो गई, चाय हो गई, जो तमस्विक फूड होते हैं जो आपके शरीर को एक्साइट करते हैं, गार्लिक आप खाओ, ये एक दवा के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है। मगर आप फालतू में अगर गार्लिक खाते हो, फालतू में प्याज खाते हो, कच्चे खाते हो, या आप सुबह का की जो आप शुरुआत अगर चाय से करते हो तो आप बहुत गलत करते हो। आपके देखो एक चीज़ समझो, आपने सुबह दोपहर और शाम का खाना बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि देखो ये ऐसा होता है कि इनमें तीनों खानों में अगर आप तालमेल नहीं रखोगे आप अपनी बीमारी को बढ़ा दोगे। तो खाना ऐसा होता है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों ही बच्चे आपके
फेवरेट बच्चे हैं, तीनों पर आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुबह ऑफिस जाना है जल्दी जल्दी कुछ भी खाकर निकल जाओ। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो सुबह दोपहर और शाम का खाना नियमित तौर पर नहीं खा रहे, वो पेशेंट ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो अपने खाने पर ध्यान दे रहे हैं उनको आधी जरूरत दवाई की हट रही है। तो जाते जाते मेरी ये सलाह है, ईट लाइक किंग इन मॉर्निंग लाइक क्वीन इन आफ्टरनून लाइक का बेगर एट नाइट। रात को भिखारी की तरह कम से कम खाना सुखाओ, क्योंकि अगर रात को आप हैवी खाना खाकर सोओगे तो पेट में गैस होगी और पेट में गैस होने से रात को अकड़न जकड़न बढ़ेगी। आपको आधे आधे एक एक घंटे में उठकर आप उठना पड़ेगा, फिर दोबारा नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट हैवी खाना खाने के कारण पेट में जमा हो गए। आज का हमारा जो टॉपिक था, ये किसी पेशेंट ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप डाइट के बारे में दोबारा से बताइए, क्योंकि जो पिछली दो वीडियो थी मेरी डाइट पर उसमें कुछ कमियां रह गई थी। हमने कोशिश की है इसमें, हमने वो सभी कमियां निकाल कर आपको सबको बताने की कोशिश की है, शायद इसमें भी कुछ रह गया हो। तो आने वाले टाइम में हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे यहाँ पर पूछो, उन क्वेश्चनों को मैं सुनता हूँ, उनको मैं मानता हूँ और उन पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ। तो आपके क्वेश्चन ही इन वीडियो का सोर्स है, तो आप अपने क्वेश्चन बेहिजक होकर पूछिए। यहाँ एंड पर मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, आप फ़ोन करो। परामर्श या एडवाइस का मैं कोई चार्जेस नहीं लेता और मेरी कॉल कोई पेड कॉल नहीं। ओके जी।